उसके लिए आप सबका शुक्रिया। आज हमारे बीच में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के DMD श्री VK मिश्रा जी हैं, ब्रिगेडियर प्रवीण शिंदे जी हैं, केंद्र जी हैं और बाकी पूरी टीम है यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस साल 25वां सालगिरह कारगिल विजय का पूरा देश मना रहा है। उसके उपलक्ष में देश की सबसे बड़ी बैंक, जैसे सेना देश की सॉवरेनिटी को, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को डिफेंड कर रही है, वैसे ही देश की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सेफ्टी और सॉवरेनिटी को डिफेंड करने में सबसे बड़ा योगदान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने देश के लोगों को फिट रखने के लिए और कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए देश का एक सबसे बड़ा फिटनेस चैलेंज चलाया, उसका नाम है SBI कारगिल टाइगर हिल चैलेंज। इस चैलेंज के बारे में ज़्यादा जानकारी हमारे DMD सर हैं, विनोद सर, वो आपको देंगे। ओवर टू विनोद। कारगिल विजय दिवस का 25th एनिवर्सरी के रूप में और इसमें SBI कारगिल टाइगर हिल चैलेंज जो किया जा रहा है वो एक फिटनेस ड्राइव है और उसमें जो हर स्टेप है वो एक एट्रीब्यूट है जो हमारे वॉर हीरोज हैं उनके तरफ। तो ये जो चैलेंज है इसमें चार पार्ट है। फर्स्ट पार्ट 30 डेज का है जो प्रिपरेशन पार्ट है, तो उस पार्ट में हर दिन 5000 स्टेप जो है ना लेना है और एक महीने के बाद जो है ना हम लोग पार्ट टू स्टार्ट करते हैं जो मार्च टू कारगिल जिसको हम कह रहे हैं और उसमें हर दिन 7500 स्टेप्स लेना है। और जो हमारा थर्ड फेज है, थर्ड फेज को हम असॉल्ट ऑन टाइगर हिल बोलते हैं और जिसमें कि हर दिन हमको 10000 स्टेप्स करने हैं और फाइनली जो लास्ट फेज है वो जो ऑन द टॉप ऑफ द टाइगर हिल, ये हमारा चार फेज है। वो 15 हज़ार जो है उसमें स्टेप करना है। तो इस तरह से जितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं 6,30,000 स्टेप जो है ना कंप्लीट करेंगे और 21,000 से ज़्यादा लोग जो है ना इसमें पार्टिसिपेट ऑलरेडी कर रहे हैं। इसका रजिस्ट्रेशन जो है 22 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था और जून तक जो है ना उसका रजिस्ट्रेशन चलता रहा है और 85 डेज का जो है प्रोग्राम है इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपनी भागीदारी दिखाई है। जितने लोग इसमें क्वालिफाई करेंगे उनको एक ई सर्टिफिकेट मिलेगा। हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं कैप्टन योगेंद्र यादव जो परमवीर चक्र विजेता भी हैं, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं और उनके द्वारा साइन किया हुआ एक सबको एक लेटर मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। और हम एक बार फिर से बोलना चाहते हैं कि आर्मी में और हमारा एक बहुत अच्छा कोलैबोरेशन है। आर्मी की जितनी सारी यूनिट्स है वह हम लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ पर उनको सर्विस मिले, वो बहुत डिफ़िकल्ट लोकेशंस पे रहते हैं और हम लोग सर्विस प्रोवाइड करने